हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुख वैली एजुकेशन। आज मैं आपके सामने पांचवी कक्षा का अध्याय गुरु और चेला के प्रश्न उत्तर पढ़ने जा रही हूँ। गुरु और चेला। प्रश्न पहला, पुराने जमाने का सिक्का था। अगर आजकल सब चीजें 1 रुपया किलो मिलने लगे तो उससे किस तरह के फायदे और नुकसान होंगे? उत्तर, अगर आजकल सब चीजें 1 रुपये किलो मिलने लगे तो इससे सारी जनता को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें चीजें 1 रुपये किलो में मिलने लगेंगी। लेकिन वही दुकानदारों तथा विक्रेताओं को नुकसान होगा, क्योंकि उन्हें हर चीज 1 रुपया किलो बेचनी पड़ेगी, जिससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। प्रश्न दो, भारत में कोई चीज खरीदने बेचने के लिए रुपए का इस्तेमाल होता है और बांग्लादेश में टके का। रुपया और टका क्रमशः भारत और बांग्लादेश की मुद्राएं हैं। नीचे लिखे देशों की मुद्राएं कौन सी हैं? सऊदी अरब, जापान, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। उत्तर, देश मुद्राएं, देश सऊदी अरब, मुद्रा दिनार, देश जापान, मुद्रा येन, फ्रांस में यूरो, इटली में यूरो, इंग्लैंड में पौंड स्टर्लिंग। प्रश्न तीन, इस कविता की कहानी अपने शब्दों में लिखो। उत्तर, यह कहानी अंधेर नगरी के गुरु और चेले से शुरू होती है। दोनों ने एक साथ ही आते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि यह अंधेर नगरी है और यहाँ का राजा बिल्कुल मूर्ख है। यह सुनकर गुरु अपने चेले को उस नगरी से फौरन वापस चलने को कहता है, लेकिन चेला वापस जाने से इनकार कर देता है। कारण, नगरी में हर चीज 1 टके की मिलती थी। तब गुरु अकेला ही वहां से चला जाता है और चेला वहीं रहकर खाने पीने का आनंद लेने लगा। उस नगरी में खीरा, ककड़ी, रबड़ी, मलाई जैसी चीजें टका सेर मिलती थी। कुछ दिन बाद नगरी की एक दीवार गिर जाती है। तब राजा इसके दोषी को पकड़ने का हुक्म देता है। दोषी के रूप में सिपाही, कारीगर, भिश्ती, मशकरे, मंत्री सबको पकड़ कर लाया जाता है। बाद में दोषी के रूप में मंत्री को फांसी देने का आदेश होता है, लेकिन उसकी मोटी गर्दन नहीं थी, इसलिए मंत्री को फांसी नहीं दी जाती और चेले को फांसी देने के लिए लाया जाता है। तब चेला अपने गुरु को याद करता है और गुरु जाकर अपनी चालाकी से चेले को फांसी से बचा लेता है। साथ ही मूर्खता के कारण राजा स्वयं ही फांसी पर चढ़ जाता है। मूर्ख राजा के मरने से सारी प्रजा खुश हो जाती है। प्रश्न चार, क्या तुमने कोई और ऐसी कहानी या कविता पढ़ी है जिसमें सूझबूझ से बिगड़ा काम बना हो? उसे अपनी कक्षा में सुनाओ। उत्तर, खरगोश और शेर। जंगल में शेर रहता था। वह मांस खाता था। उसने खरगोश को खाने के लिए अपने पास बुलाया। पहले तो खरगोश वहां जाने से डर रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत करके एक शेर के पास चला गया। जब शेर ने पूछा कि तुम देर से क्यों आए हो, तो उसने कहा कि महाराज, रास्ते में मुझे आपसे भी बड़ा शेर मिल गया था, उसी ने मुझे रोक लिया था। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश को वह स्थान दिखाने के लिए कहा जहां उसे बड़ा मिला था। खरगोश उसे अपने एक कुएं के पास ले गया और कुएं की तरफ इशारा किया। शेर ने जब कुएं में नीचे की ओर देखा तो उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वह उसे दूसरा शेर समझने लगा और गुस्से में दहाड़ने लगा। उसकी आवाज कुएं में गूंजकर वापस आई तो उसने सोचा, ये तो दूसरा और शेर दहाड़ रहा है। गुस्से में वह उस पर झपटा
और नीचे कुएं में गिर गया। इस प्रकार खरगोश ने होशियारी से अपनी जान बचा ली। प्रश्न 5, कविता को ध्यान से पढ़कर अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य लिखो। सड़कें, बाजार, राजा का राजमहल। उत्तर, अंधेर नगरी के बारे में कुछ वाक्य। क, अंधेरी नगरी की सड़कें चमकदार थी। ख, अंधेरी नगरी में सभी चीजें टके सेव भाव में मिलती थी। ग, अंधेरी नगरी में कोई नियम नहीं था। ग, अंधेर नगरी में किसी के दोषी को सजा किसी को मिलती थी। ड, अंधेरी नगरी में खूब बारिश होती थी और बिजली चमकती थी। प्रश्न 6, क्या ऐसे देश को अंधेरी नगरी कहना ठीक है? अपने उत्तर का कारण भी बताओ। उत्तर, हाँ, ऐसे देश को अंधेर नगरी कहना ठीक है, क्योंकि यहाँ की शासन व्यवस्था और सजा देने का तरीका गलत था। चारों ओर अज्ञानता का वातावरण था। यहाँ का राजा महामूर्ख था। प्रश्न 7, प्रजा खुश हुई जब मेरा मूर्ख राजा। का, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर खुश क्यों हुई? उत्तर, अंधेर नगरी की प्रजा राजा के मरने पर इसलिए खुश हुई क्योंकि उस राजा की राज प्रणाली ठीक नहीं थी। खा, यदि वे राजा से परेशान थे तो उन्होंने उसे खुद क्यों नहीं हटाया? आपस में चर्चा करो। उत्तर, प्रजा ने राजा को खुद इसलिए नहीं हटाया क्योंकि उस समय राजा के महत्व सबसे अधिक था। राजा ही राज्य का मुखिया होता था तथा उसी का ही हुक्म चलता था। प्रश्न 8, गुरु का कथन झूठा होता नहीं है। एक, गुरु जी ने क्या बात कही थी? उत्तर, गुरु जी ने कहा था कि यह मुहूर्त फांसी पर चढ़ने के लिए शुभ है। 2, राजा यह बात सुनकर फांसी पर लटक गया। तुम्हारे विचार से गुरु ने जो बात कही थी वह सच थी? उत्तर, राजा गुरु की बात सुनकर फांसी पर लटक गया क्योंकि गुरु ने बात कही थी वह सच नहीं थी। 3, गुरु जी ने यह बात कहकर सही किया या गलत? आपस में चर्चा करो। उत्तर, गुरु जी ने यह बात कहकर सही किया क्योंकि इस झूठ से उन्होंने अपने बेगुनाह चेले की जान बचाई थी। प्रश्न 9, मंत्री की गर्दन फंदे के बराबर की होती। उत्तर, तो मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। प्रश्न 10, राजा गुरुजी की बातों में ना आता। उत्तर, राजा गुरुजी की बातों में ना आता तो चेले को फांसी पर चढ़ा दिया जाता। प्रश्न 11, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज किस किस को बुलाते, आगे क्या होता? उत्तर, अगर संतरी कहता कि दीवार इसलिए गिरी क्योंकि पोली थी तो महाराज कारीगर, बिश्ती और मश्क वाले को बुलाते, फिर शायद वह इन सबको फांसी की सजा देने की आज्ञा दे देते। धन्यवाद।